हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल टेक्नो मास्टरजी में। तो फ्रेंड्स, जियोनी ने अपना लेटेस्ट फोन जियोनी मैक्स प्रो लॉन्च कर चुका है, जो कि बजट सेगमेंट में पावरफुल नाम से जाना जाता है। और इसमें 2020 में पिक्चर में आया जब इन्होंने लॉन्च किया था जियोनी मैक्स। तो जियोनी ने अब जियोनी मैक्स को अपग्रेड करके जियोनी मैक्स प्रो लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको काफी सारा ऐसा फीचर मिलता है जो कि इस फोन को अच्छा फोन बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज इसी का अनबॉक्सिंग करेंगे, फोन कैसा है ये बताएंगे, बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है ये बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जियोनी मैक्स प्रो का बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोनी मेक स्माइल लिखा हुआ है। नीचे में दोस्तों यहाँ पे जियोनी मैक्स प्रो 6000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। बॉक्स के दोनों ही तरफ यहाँ पे जियोनी मैक्स प्रो लिखा हुआ है। और पीछे की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस वगैरह मेंशन किया हुआ है, और इसके नीचे में दोस्तों यहाँ पे सारा फीचर मेंशन किया हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी बॉक्स को ओपन करते हैं और बाकी देखते हैं अंदर क्या क्या कॉन्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स कुछ इस प्रकार से स्लाइडिंग से ओपन होता है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर में इस तरीके का बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे सील है। तो सील को अभी ब्रेक करते हैं और देखते हैं अंदर और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक और सेक्शन मिलता है जिसमें लिखा हुआ है स्विच ऑन द मैक्स प्रो लाइव, और नीचे यहाँ पे जियोनी मेक स्माइल। तो ये वाले सेक्शन को निकालने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से पीछे से ओपन होता है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले एक स्क्रीन गार्ड मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे यूज़र गाइड भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन रखा हुआ है, और फ़ोन यहाँ पे प्लास्टिक रैपरिंग किया हुआ है। तो फ़ोन को निकालते हैं ऊपर, और यहाँ पे पीछे के स्टिकर को हटा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन का जो लुक है हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो अभी फ़ोन को ऑन करके साइड रखता हूँ। और दोस्तों बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर पिन है, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक चार्जिंग एडाप्टर देखने को मिल जाता है, और आखिरी में यहाँ पर एक माइक्रो यूएसबी डाटा केबल देखने को मिलता है। फ़ोन की बात करें तो फ्रेंड्स फ़ोन हमें कुछ इस प्रकार से फ्रंट फेस में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ड्रॉप नॉच है, इस नॉच के अंदर 8 MP का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है, और उसी के जस्ट ऊपर एयर स्पीकर लगा हुआ है, और सारा सेंसर लगा हुआ है। फ़ोन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों इस प्राइस रेंज में काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। फ़ोन की डाउन की बात करें तो फ्रेंड्स एक तरफ प्राइमरी माइक मिल जाता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया चार्ज करने के लिए, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। फ़ोन की राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, और उसी के जस्ट ऊपर में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच मिलता है। और यहीं दोस्तों फ़ोन की अपर साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों फ़ोन की लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट बटन दिया गया है। इस प्राइस पॉइंट में दोस्तों गूगल असिस्टेंट का बटन दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ दोस्तों ऊपर में आपको सिम ट्रे मिलता है, तो सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कौन सा सिम ट्रे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल स्लॉट मिलता है, जिसमें आप 2 नैनो सिम के साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फ़ोन की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में डुअल कैमरा मिलता है 13+2 MP LED फ्लैश के साथ, और यहाँ पे डाउन में आप देख सकते हैं जियोनी का ब्रांडिंग मिलता है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे बैक पैनल की बात किया जाए तो ये पॉलीकार्बोनेट बैक है, और यहाँ पे दोस्तों पैटर्न जो बन रहा है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर आप इस तरीके से रफ कीजिएगा तो एक आपको आवाज़ आएगा, टेक्स्चर बना हुआ है। फ़ोन की कैमरा इंटरफेस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले नाइट मोड मिलता है, वीडियो मोड मिलता है, और वीडियो दोस्तों यहाँ पे 1080p पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो मोड मिलता है, यहाँ पे फेस ब्यूटी का एक ऑप्शन मिल जाता है। और मोड के ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनुअल, पैरानोमा, और यहाँ पर टाइम लैप्स, स्लो मोशन, सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स अभी जो यहाँ पे पिक्चर्स देख पा रहे हैं आप, मैं इसी फ़ोन से रियर और फ्रंट कैमरा से लिया हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पिक्चर आता है इस फ़ोन से। एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिल जाता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, इस फोन में 6000 mAh का बैटरी आता है, जो कि दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी बड़ा बैटरी मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे दोस्तों 32 GB स्टोरेज भी मिल रहा है, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट में। सेक्रेटरी के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको फेस लॉक भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट में, फेस लॉक भी मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फेस लॉक में सेट कर दिया हूँ, स्क्रीन ऑन है, और यहाँ पे लॉक करने का कुछ हल्का एक एनिमेशन होता है, और ये लॉक ओपन हो जाता है।
तो फ्रेंड्स ये पहला स्मार्टफोन है 3GB रैम के साथ 6000 mAh का बैटरी भी मिल रहा है, वो भी अंडर 7000 में। और फ्रेंड्स इस फोन का डिस्प्ले और कैमरा भी काफी अच्छा है, जो कि दोस्तों एक बेस्ट स्मार्टफोन बनाता है इस प्राइस रेंज में। अगर दोस्तों आपको अगर ये फोन खरीदना है तो फ्लिपकार्ट से आप बाय कर सकते हैं, एडिशनल बैंक ऑफर के साथ आपको ये फोन मिल जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए फ्लिपकार्ट का लिंक चेक करें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर के फैमिली मेंबर के साथ। और चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूं। तो फ्रेंड्स आपको भी अगर ये फोन बाय करना हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बाय कर सकते हैं। और सोशल मीडिया की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का, आप अगर चाहे तो मुझे वहां भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।